अभी तक हो रहा था स्प्रेडिट, पर आज से होगा इस। बहुत भारी है भाई। सबसे पहले करनी है अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया इन लोगों ने। ओ ये क्या है, ये कीबोर्ड और माउस। नाइस। पावर कॉर्ड। लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपको लगता है कि आपका इक्विपमेंट आपके आइडियाज़ को सपोर्ट नहीं कर रहा। अब मेरा मैकबुक प्रो काइंड ऑफ मेरे वर्क फ्लो को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब से स्टूडियो बना है एक्सपेरिमेंट्स करने का दिल करता है, नए नए आइडियाज़ दिमाग में आते हैं। अब मैं शूट तो जल्दी कर लेता हूँ बट एडिट में फंस जाता हूँ। ये सेट हो गया भाई अपनी जगह पे। अब कर लेते हैं थोड़े स्पेक्स की बात। स्टार्ट करते हैं मॉडल से। ये है मैकबुक प्रो अर्ली 2015 मॉडल और ये है iMac लेटेस्ट 2019 मॉडल। प्रोसेसर इसका है 2.7 GHz i5 टू कोर और इसका प्रोसेसर है 3.6 GHz i9 8 कोर। मज़े आने वाले। रैम दोनों की सेम है, इसकी अपग्रेड नहीं हो सकती, उसकी अपग्रेड हो सकती है। सेम 8GB रैम DDR3 और DDR4 और ग्राफिक कार्ड में मेजर डिफरेंस है। इसका ग्राफिक कार्ड है इंटेल आयरिस 1.5GB और इसका ग्राफिक कार्ड है AMD रेडियन 8GB। और अब आ जाते हैं स्क्रीन पे। जो सबसे अमेजिंग चीज़ है इसकी वो ये है कि ये है 13 इंच 2K रेटिना डिस्प्ले और ये है 27 इंच 5K रेटिना डिस्प्ले। ओह, अब कलर ग्रेडिंग का कुछ अलग ही मज़ा आने वाला। तो अब इसे ऑन करने का टाइम आ गया। लेकिन उससे पहले एक और बात, इक्विपमेंट हमेशा तब अपग्रेड करना जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा इक्विपमेंट तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। क्योंकि जब मैं इस पर एडिट करता था ना, तो ट्रस्ट मी कभी कभी मुझे लगता था कि अब काम करना इम्पॉसिबल हो गया है। तब पैसे नहीं थे तो अपग्रेड नहीं कर पाया, लेकिन कभी काम करना नहीं छोड़ा। तो पैशन हमेशा इक्विपमेंट से पहले आना चाहिए, क्योंकि इक्विपमेंट तो वक्त के साथ आ जाएगा। आगे तुम खुद समझदार हो। अब आज का व्लॉग होगा इस पर एडिट। और बात बताना भूल गया, लैपटॉप की स्टोरेज थी 128GB और इसकी स्टोरेज है 2TB, तो अब स्टोरेज की भी कोई टेंशन नहीं। जेल सीन। इसका मतलब ये नहीं कि इसका साथ छोड़ने वाला हूँ। आज मैं जो भी हूँ सब इसकी वजह से हूँ। अगर ये ना होता तो शायद मैं कभी अपने ब्लॉग्स ही स्टार्ट ना कर पाता। कैलिफोर्निया से लेकर
मेरे अपने व्लॉग्स तक आज तक जो भी मैंने शूट किया है सब इस पे ही एडिट किया है। तो ये तो कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहेगा मेरी नज़रों के सामने, और जब जब इसकी हेल्प चाहिए होगी तब इस पे एडिट कर लूँगा। तो मुझे करने दो अब ये मशीन इंजॉय, और मिलते हैं बाद में। बाय बाय।